दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक कार्गो कंटेनर और वुडन प्लैंक ला के रख दिए, अब इस वीडियो में हमें करना ये है कि जो कंक्रीट स्लैब है फैक्ट्री में जो है तो उसको लाना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे एक ट्रक है मैन का। अब दिखाता हूँ मैप मेरे को। हाँ, ये रहा मैन TG या समथिंग से। तो इसमें हमें एक सेट कंक्रीट स्लैब लेके जाना है और फिर यहाँ पे एजोब भी है तो एजोब से भी ले सकते हैं। कोशिश करते हैं अगर ये सही चलता है तो इसी से लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो मैन से ले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो पहले देखते हैं गाड़ी सही चल रहा है भी या नहीं, क्योंकि एक तो लंबा है और हमें इतना लंबाई नहीं चाहिए। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी काम चला हुआ है। अब दोस्तों, अगर दो कंक्रीट स्लैब मांगा होता तो ये गाड़ी परफेक्ट होता, बट क्योंकि एक ही मांगा है तो मे बी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है इस गाड़ी में। कोशिश करते हैं फिर भी, अगर नहीं होता है तो फिर मैन गाड़ी को चूज़ करेंगे। अब रहने ही देते हैं दोस्तों, बस जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्री में है उसी से चलते हैं। अब बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ओके, ये रहा हमारा कंक्रीट स्लैब, हो गया, लोडेड है, एंड लेट्स गो। सीधे चलते हैं शिप के यहाँ। ओ ओ ओ गया भाई साहब, मैं विंच का यूज़ करके देखता हूँ। अरे यार, विंच भी ये काम नहीं कर रहा है अभी। अब एजोब की मदद लेने पड़ी गई हमें, और बस वहीं पास में ही है, देखो मैप में। तो ये रहा, अब इसी से काम चलाते हैं, बस गाड़ी को सीधा करना है और कुछ नहीं। तो गाड़ी को सीधा करते हैं और फिर से लोड करते हैं हमारी कंक्रीट स्लैब को मैन्युअली, एंड फिर शिप के यहाँ लेके चलते हैं।
वैसे कंक्रीट स्लैब लेके तो पहुंच गए, लेकिन अब कंक्रीट स्लैब को लोड कहाँ करेंगे, ये एक प्रॉब्लम हो गया। एक तो ट्रक, इस ट्रक को हम शिप के यहाँ नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बड़ा वाला ट्रक अकेला अकेला उतना जगह यूज कर रहा है। एक काम करते हैं, कैसे भी करके इस कंक्रीट स्लैब को उस ट्रक के यहाँ लोड करते हैं, कैसे भी करके। तो कोशिश करते हैं हमसे क्या हो पाता है।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं इस मिशन को, सारे जो मटेरियल्स है उसको लेके बस पहुंचाना है।